आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 4। बुक का नाम है द वेलनेस रिवॉल्यूशन का हिंदी एडिशन स्वास्थ्य क्रांति, रिटन बाय पॉल ज़ैन पिल्जर, वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल इकोनॉमिस्ट पॉल ज़ैन पिल्जर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है खाद्य सामग्री में अपनी किस्मत चमकाना। उपभोक्ता मांग और सरकार के संभावित नियमन की पूर्व प्रभावी प्रतिक्रिया स्वरूप खाद्य उद्योग से जुड़ी कंपनियां उन समानताओं को हल करना शुरू कर देगी जिन्हें उन्होंने ही पैदा किया था, लेकिन सबसे महान समृद्धि उन उद्यमियों का इंतज़ार करती है जो स्वास्थ्य की उपभोक्ता मांग निकलने से पहले छलांग लगाते हैं, ठीक स्टीव डेमोस और पॉल वैनर की तरह, जिनमें से प्रत्येक ने अपने उत्पाद बनाए और उनका उचित वितरण कर बाजार में उन तक पहुंचने का इंतज़ार किया तथा 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति बनाई। खाद्य सामग्री में बनाई जाने वाली स्वास्थ्य संपत्ति दो बुनियादी क्षेत्रों में निहित है। फर्स्ट इज स्वस्थ खाद्य सामग्री उगाना, खोजना, काटना, परिवहन करना और तैयार करना। सेकंड, उपभोक्ताओं को सिखाना कि स्वस्थ खाद्य पदार्थों का चयन किस तरह करें और भोजन के संपूर्ण उपभोग को दायरे में कैसे रखें। हमारी खाद्य आपूर्ति व्यवस्थित करने में कुछ व्यापारिक संभावनाएं आर्थिक रूप से विकृत कर दी गई, क्योंकि खाद्य पदार्थों के चयन में सांस्कृतिक तरजीह दी गई और सरकार के प्रभावशाली सब्सिडी कार्यक्रम ने खाद्य पदार्थों की वास्तविक लागत तोड़ मरोड़ दी। हमारी धार्मिक और सरकारी संस्थाएं स्वास्थ्य को अपनाने में उपभोक्ता से पीछे रह गई है। इससे पहले कि हम विशेष स्वास्थ्य भोजन की संभावना परखें, उद्यमी के लिए यह समझना जरूरी है कि यह कैसे हुआ और साथ ही यह भी कि हमारे मौजूदा 10 खरब डॉलर के खाद्य उद्योग के घटक क्या हैं। जैसे जैसे आप यह अध्याय पढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों के साथ पेश आने वाली हर समस्या पर चर्चा की जाएगी, चाहे यह धर्म आधारित हो, सरकार आधारित या विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ हो। आपको ठहरना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप इस समस्या को किस तरह एक फायदेमंद स्वास्थ्य व्यापार संभावना में तब्दील कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग है किस तरह धर्म और सरकार स्वास्थ्य के मामले में पीछे रह गए। मानव सभ्यता का ज़्यादातर इतिहास भोजन प्राप्त करने का इतिहास है, जहां मानव मूल रूप से इसे खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था और बाद में उसने खेती करना और उसे सुरक्षित रखना भी सीखा। फसल उगाना, खोजना, काटना, सुरक्षित करना, परिवहन करना, तैयार करना और भोजन करना हमारे रोज़मर्रा के अस्तित्व और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हावी हो गया। यह तब तक चलता रहा जब तक कि 20वीं सदी शुरू नहीं हो गई। फिर लगभग रातों रात हरित क्रांति और अन्य तकनीकों ने हमारे मुख्य आहार मसलों को अधिक खाने और कुपोषण की समस्या से भुखमरी और सफाई की समस्या पर ला दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि हमारी धार्मिक और सरकारी संस्थाएं अब तक इन्हें बराबर नहीं कर पाई है। आज विकसित देशों जहां भोजन प्रचुर मात्रा में है, अधिकांश धार्मिक लोग अपने भोजन की शुरुआत भगवान को इसके लिए धन्यवाद देने से करते हैं, जबकि उन्हें भगवान का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन का चयन करने का ज्ञान दिया, भुक्कड़पन को जूड़ के दरवाजे से बाहर कर दिया गया और यह प्रारंभिक ईसाइत के साथ घोर पापों में से एक है। ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवाणी की गई है कि भुक्कड़ गरीब हो जाएंगे। आज अधिकांश धर्मों ने वाकई भुक्कड़पन को
वास्तव में नज़रअंदाज कर दिया है। यही नहीं बल्कि रूढ़िवादी यहूदी और इस्लाम जैसे धर्म जो आहार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने समुदाय के अधिकांश लोगों की वास्तविक आहार जरूरतों के बजाय सफाई के प्राचीन नियम कायदों पर जैविक रूप से ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही नहीं अमेरिका में आज भी अमेरिकी कृषि विभाग USDA का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय को सुरक्षित करना है, ना कि उपभोक्ता की भोजन आपूर्ति को सुरक्षित करना। यह सन 1776 के हिसाब से एक अच्छी नीति हो सकती थी जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने कृषि राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना का आह्वान किया था। तब किसान 95% से अधिक की आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे और देश की 90% अर्थव्यवस्था फसल विक्रय पर निर्भर करती थी। लेकिन अब यह अनुपयोगी लक्ष्य रह गया है क्योंकि अब किसान अमेरिका की सिर्फ 2% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और कृषि उपज बिक्री हमारी अर्थव्यवस्था का 0.5% है। यही नहीं हमारे अधिकतर नागरिक अधिक वजन और कुपोषण के शिकार हैं। पिछली शताब्दी में उन्नतशील तकनीक से खाद्य पदार्थों के उत्पादन संरक्षण और वितरण ने इनकी कीमतों में अपेक्षाकृत इतनी कमी ला दी है कि अब खाद्य उद्योग की बिक्री अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 10% से भी कम की हिस्सेदारी करती है, या कहें हमारे 100 खरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष सिर्फ 10 खरब डॉलर का योगदान करती है। यह मोटे तौर पर निम्न तरह विभाजित है, जिसमें कृषि 45 अरब डॉलर, खाद्य प्रसंस्करण और वितरण 500 अरब डॉलर, रेस्टोरेंट्स 400 अरब डॉलर, आहार पूरक 70 अरब डॉलर, अन्य 30 अरब डॉलर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह इसी उन्नतशील तकनीक ने आज खाली कैलोरी की आफत खड़ी कर दी है। हमारे भोजन में वसा और कैलोरी ऊर्जा की प्रचुर मात्रा है, लेकिन आवश्यक विटामिन, खनिज और प्रोटीन नहीं है। यह अब बदलाव की घड़ी है क्योंकि उपभोक्ता शिक्षित हो गया है और उसने सभी प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की मांग शुरू कर दी है। नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं, कृषि सब्सिडी कार्यक्रम। कृषि के 2 क्षेत्रों को स्वास्थ्य के लिए उपभोक्ता की मांग के प्रतिक्रिया स्वरूप तेजी से बदलना चाहिए। पहला है जिसमें किसान कौन सा खाद्य पदार्थ उगाते हैं, सेकंड है वह किस तरह इन्हें उगाते हैं, जैसे कि या तो जैविक खेती और जेनेटिक इंजीनियरिंग। एग्जांपल, मैंने चाहिए कहा क्योंकि किसान कौन सी फसलें चुनते हैं और उन्हें किस तरह उगाते हैं, यह आजकल अक्सर सरकार के सब्सिडी कार्यक्रमों से तय होता है जो लगभग 1 सदी पहले लिखे गए थे, न कि उपभोक्ता की पसंद और मजबूत आर्थिक फैसलों के तहत। हालांकि स्वास्थ्य उद्योग में किसानों के लिए औद्योगिक संभावनाएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ और संभावनाएं होगी यदि सरकार उन्हें उपभोक्ता की मांग के हिसाब से काम करने दे। यदि आपकी स्वास्थ्य किसान बनने में रुचि नहीं है तो भी आपको सरकार के इन सब्सिडी कार्यक्रमों के बारे में निम्न कारणों से जानना जरूरी है। पहला कारण, आप करदाता के रूप में उनके लिए भुगतान कर रहे हैं। दूसरा, सब्सिडी फसल आपके स्वास्थ्य भोजन उत्पादों से प्रतिद्वंद्विता करेगी। थर्ड, वे किसानों को अस्वास्थ्य फसलें उगाने के लिए बाध्य करते रहेंगे, जिससे अधिक स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाओं की मांग बढ़ती जाएगी। आज
कृषि हमारे खाद्य उद्योग का बहुत छोटा हिस्सा है और 100 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का एक सूक्ष्म भाग। लेकिन फिर भी किसान और उनके आर्थिक मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी संघीय ताकतें आज बहुत से कम आबादी वाले कृषि राज्यों पर ध्यान दे रही है। किन्हीं भी 20 ज़्यादातर कृषि प्रधान राज्यों जैसे उत्तरी डकोटा, वायोमिंग की संयुक्त आबादी किसी भी औद्योगिक प्रदेश जैसे टेक्सास या कैलिफोर्निया से कम है। इसके बावजूद इन कृषि प्रधान राज्यों की अमेरिकी सीनेट में राजनीतिक शक्ति टेक्सास या कैलिफोर्निया की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है। वह शक्ति जो बदकिस्मती से अमीर किसानों और अमेरिकी डेयरी एसोसिएशन ADA जैसी शक्तिशाली खास संस्थाओं द्वारा नियंत्रित और दुर्व्यवहार की शिकार है। 1920 के दशक की शुरुआत में जब अधिकांश मतदाता किसान थे, संघीय सरकार किसानों को दामों की गिरावट से बचाने के लिए फसलों की कीमत स्थिर करना चाहती थी। सालों तक दर्जनों विभिन्न सरकारी कार्यक्रम तंत्र में शामिल किए गए जो आज भी मौजूद है, जहां कल्याण संगठन किसानों को कुछ खास फसलें न उगाने के लिए धन देते हैं। यह राशि अकेले 1999 में 24 अरब डॉलर थी। दिस वॉज रियली फैंटास्टिक फैक्ट अबाउट आर सिस्टम। टेक्सास की एक काउंटी में पूरी कृषि आय का 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा संघीय सब्सिडी से बनता है और शीर्ष 10 सब्सिडी प्राप्तकर्ताओं को 96 से 99 तक औसतन 396,131 डॉलर की राशि दी गई। साथ में इस अंतराल के दौरान बहुत से किसान 20 लाख डॉलर प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्राप्त करते रहे हैं। ये सब्सिडी कार्यक्रम खेतों को आज़ादी एक्ट जैसे नामों के लबादे से ढके रहते हैं ताकि यह लगता रहे कि ये फायदे उपभोक्ता और पारिवारिक खेती को दिए जा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर धन कुछ एक अमीर व्यक्तियों और संगठनों के हाथ में जाकर ख़त्म हो जाता है। ये व्यक्ति और संगठन ऐसे वकील और प्रभावी लोगों को रखने में सक्षम होते हैं जो सरकार पर सब्सिडी बिल की प्रक्रिया जारी रखने का दबाव डालने में महारथी होते हैं। सच मानिए तो किसी भी अन्य अधिकृत या कल्याण कार्यक्रम की तरह संघीय कृषि सब्सिडियों की भी आय, संपत्ति या ऋणों से संबंधित कोई आवश्यकता नहीं होती है। 24 अरब डॉलर कल्याण संगठन में देना बुरे से भी बदतर है। यह सब्सिडियां कुछ पुरानी फिल्मों फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है जिनका स्वास्थ्य कारणों से अब उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। अगली हेडिंग रहेगी हमारी दुग्ध का चल, यानी कि मिल्क के अंदर कुछ मैनिपुलेशन होता है उसके बारे में। इन खाद्य पदार्थों में सबसे बदतर दुग्ध उत्पाद है जो 7 अरब डॉलर की सरकारी सब्सिडी पा रहे हैं, लेकिन यह दुग्ध उत्पाद अमेरिकी उपभोक्ताओं को दुग्ध उत्पादकों को सामूहिक कल्याण के रूप में मिलने वाली 7 अरब डॉलर की संघीय सब्सिडी के मुकाबले बहुत महंगे पड़ते हैं। दूध और दुग्ध उत्पाद यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स 15 खरब डॉलर के बीमारी उद्योग की अग्रणी अंशदाता है। दूध के कारण क्या होता है? एलर्जी, गैस, कब्ज, मोटापा, कैंसर, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और संक्रामक रोग होते हैं। जी हाँ, इस लाइन को दोबारा से पढ़ सकते हो आप। दूध से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसके बावजूद ADA बड़े बड़े
धोखेपूर्ण विज्ञापन अभियानों में कहता है कि दूध पीने से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। नॉट दैट पॉइंट प्लीज गाइस। बहुत से अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि दूध ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने की बजाय इसका कारण है। दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से कैल्शियम रिसकर यानी कि सिंक होकर बाहर आने से होता है। कैल्शियम खाने से इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन जिसका नाम होता है कैसीन की मात्रा और प्रकार हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जो लोग यह सोचते हैं कि वयस्क होने के नाते कैल्शियम लेने से उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कैल्शियम ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह अवशोषित करने में आसान होता है और प्रचुर मात्रा में होता है। नए ट्रॉपिकाना कैल्शियम युक्त संतरे के एक कप जूस में पुष्ट बनाने वाले दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है 350 मिलीग्राम के मुकाबले एक कप दूध में 302 मिलीग्राम। वैसे भी ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए जो फायदा कैल्शियम खाने से मिलता है, वयस्क होने पर उसकी ज़रूरत भी संभवतः नहीं रह जाती, क्योंकि हड्डियों का द्रव्यमान बढ़ना बंद हो जाता है। इस तथ्य के बावजूद ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए कैल्शियम संबंधी ADA का दूध का विज्ञापन प्रचार का लक्ष्य वयस्क और बुजुर्ग अमेरिकी होते हैं। सो प्लीज़ नोट दैट पॉइंट कि दूध पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न हम इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट यूज़ इट जितना हो सके। धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में योगदान से ज़्यादा चिंता का विषय दूध में हार्मोन होना और इसका संक्रामक रोगों का वाहक होना है। एक आम गाय प्राकृतिक रूप से रोज़ 10 पाउंड दूध देती है, जबकि आज की सताई हुई आधुनिक डेयरी की गायें प्रतिदिन 100 पाउंड दूध देती है, यानी कि लगभग 10 गुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों को बड़ी मात्रा में बोविन ग्रोथ हार्मोन, जिसे BGH हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये खास हार्मोन दिए जाते हैं जो उनके थनों को इतना बढ़ा देते हैं कि अक्सर वह जमीन पर घिसटते हैं। इससे अक्सर संक्रमण होने लगता है यानी कि इन्फेक्शन, और गायों को लगातार एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक मेडिसिन है। USDA ऐसा दूध पीने की अनुमति देता है जिसमें 10 से 15 लाख लाल श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रति मिलीमीटर मौजूद हो। ये वृद्धि संबंधी हार्मोन एंटीबायोटिक और पस प्रोसेसिंग के बावजूद दूध में रह जाते हैं, जो दुग्ध उत्पादों का नियमित सेवन करने वाले लोगों, खासकर बच्चों पर खतरनाक चिकित्सकीय प्रभाव डालते हैं। ये सारी बात एक इकोनॉमिस्ट आपको बता रहे हैं, पोल्स एंड पिल्जर, इस बुक के थ्रू। सो इसको हल्के में मत लीजिएगा। इकोनॉमिस्ट बनना बहुत बड़ी बात है, वो भी अमेरिका जैसे देश का। सो कीप इन माइंड, अमेरिका का कोई भी ब्रेजरी निर्माता आपको बता देगा कि पिछले कुछ दशकों में जब से दूध में BGH मिलाया जाने लगा, इनकी बिक्री काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि BGH व अन्य हार्मोन ने किशोरी लड़कियों के औसत स्तन आकार में वृद्धि की है और मेनार्क की उम्र भी घट गई है। लेकिन ब्रेजरी निर्माता आपको यह बताने में असमर्थ हो सकते हैं कि यह हार्मोन वयस्क महिलाओं में स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ाने वाला बड़ा कारण है, क्योंकि वह महिलाओं के स्तनों में भी वैसा ही खतरनाक ट्यूमर यानी कि कैंसर
पैदा करते हैं, जैसे BGH भरे गायों के थनों पर यातना पहुंचाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि बहुत से उपभोक्ताओं ने BGH व अन्य हार्मोन युक्त दूध की बिक्री बंद करने या कम से कम लेबल पर लिखने की आवाज़ बुलंद की, लेकिन FDA ने ADA के प्रभावशालियों के सामने झुकना बंद नहीं किया और ऐसे हार्मोन पर प्रतिबंध लगाने या दूध पर लेबल लगाने से इनकार कर दिया। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना मैनिपुलेशन हो रहा है हमारे सिस्टम में, और ये जो पर्सन है सिस्टम के अंदर है, उसका पार्ट है, और ये सच्चाई को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। सो इस इन्फॉर्मेशन को एज मच एज पॉसिबल शेयर करने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुग्ध उत्पादन वातावरण और खुद गायों के लिए भी खतरनाक है। एक डेयरी की गायें रोज 100 पौंड दूध देती होगी, लेकिन वह 120 पौंड गोबर भी करती है, जो 24 लोगों द्वारा उत्सर्जित मल यानी कि हमारा एक्सक्रीशन के बराबर होता है। जबकि गाय के लिए किसी प्रकार के टॉयलेट, सीवेज या ट्रीटमेंट संयंत्र की भी व्यवस्था नहीं होती। हर रोज अगर बात करें 81 पौंड अनाज, सब्जियां और 45 गैलन पानी का सेवन करती है गायें। प्राकृतिक रूप से गायें 20 से 25 साल जीवित रहती है, ये उनका लाइफ स्पान है। जबकि डेयरी उत्पादन से जुड़ी गायें बमुश्किल 4 से 5 साल जीती है, कहां नॉर्मली 20 से 25, लेकिन आफ्टर इंजेक्टिंग हॉर्मोन्स या इंजेक्शंस सिर्फ 4 से 5 साल उनकी लाइफ रह जाती है। हार्मोन से पस्त और लगातार अप्राकृतिक गर्भधारण यानी कि आर्टिफिशियली उनके अंदर बच्चा पैदा किया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू, उन्हें चलते फिरते पशु से विकृत दुग्ध देने की मशीन बना देते हैं ये लोग। दुग्ध उत्पादों की सबसे बुरी बात उनके कारण होने वाली बीमारियां, पशुओं को दी जाने वाली यातनाएं या वातावरण पर खतरनाक असर नहीं है, बल्कि दुग्ध उत्पादों की सबसे बुरी बात यह है कि यह हमारी 61% से भी ज़्यादा आबादी के अधिक वजन वाली या स्थूलकाय होने का सबसे बड़ा कारण है, यानी ओबेसिटी का हम बहुत बड़ा रीज़न मान सकते हैं मिल्क को, जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। भले ही दूध पीने और चीज़ खाने से संभव है, किसी किशोरी को ब्रिटनी स्पीयर जैसे स्तन मिल सकते हैं, लेकिन ढेर सारा दूध पीने और चीज़ खाने से उसे निश्चित तौर पर स्वर्गीय ममाकास जैसी झांगें और नितंब जरूर मिल जाएंगे। एक औसत अमेरिकी 4 पौंड से अधिक खाद्य पदार्थ प्रतिदिन खाता है और उसका 40% हिस्सा दूध या उससे मिले जो प्रोडक्ट्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। दूध में कोई रेशे यानी फाइबर नहीं होते हैं और इसमें संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है एंड इट इज़ टोटली हार्मफुल। एक गिलास दूध में बात करें तो 49% फैट होता है और 65% से अधिक चीज़ होता है। दूध को वास्तव में तरल मांस कहा जाना चाहिए। एक 12 औंस के गिलास में 8 बेकन स्ट्रिप के बराबर संतृप्त वसा पाया जाता है। जब स्थूलपन और अधिक वजन की बात आती है तो दूध बियर से भी बुरा है। 12 औंस दूध के गिलास में 300 कैलोरी और 16 ग्राम वसा होता है, जबकि 12 औंस बियर के गिलास में 144 कैलोरी होती है और कोई भी फैट नहीं होता है। एक कप कॉफ़ी में मिलाए जाने वाले 4 चम्मच दूध में 15 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, यानी 80% संतृप्त वसा, जो आपको पूरे दिन में लेना चाहिए वो सिर्फ एक
चार चम्मच में आपको दे दिया जाता है एक डोज में। इन अविवादित सच्चाइयों के जवाब में डेयरी उद्योग 2% और कम वसायुक्त दूध का छल लेकर आया। सच्चाई यह है कि 2% दूध में 24-33% वसा की कैलोरी होती है और संपूर्ण दूध से यह सिर्फ कुछ ही कम मोटा करने वाले हैं। दूध निर्माता तो पनीर को भी कम वसायुक्त लेबल लगाने की गरिष्ठता दिखाते हैं जिसमें वसा की 20% कैलोरी होती है, जिस वजह से FDA को हाल ही में दुग्ध निर्माताओं को दुग्ध उत्पादों को कम या वसा रहित खाद्य पदार्थ बताने से रोकने के आदेश देने पड़े। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे जहाँ हम आज हैं, जहाँ ज़्यादातर अमेरिकी हर रोज दूध पीते हैं या दुग्ध उत्पादों का सेवन करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें दूध को हमारे पूर्वजों ने इतना महत्व इसलिए दिया क्योंकि इससे घर में ही उच्च ऊर्जा वाले उत्पाद जैसे कि मक्खन और पनीर बनाए जा सकते थे जो सर्दियों तक चलते थे। चूंकि दूध को इतना बेशकीमती माना गया था इसलिए नवाचारी उद्यमियों ने चकित करने वाली कम कीमतों पर दुग्ध उत्पादन के तरीके खोज निकाले। इसके बावजूद उन्होंने इस मुनाफे का इस्तेमाल स्थायी मार्केटिंग की और राजनीतिक संगठन बनाने में किया जिसे अब हम जानते हैं ADA के नाम से। ADA ने संघीय सरकार पर दबाव डाला कि वह दुग्ध के अति उत्पादन को सब्सिडी दे यानी कि प्रॉफिट दे, अधिक पैसा दे। इसके बाद उसे नियमित स्कूली लंच कार्यक्रमों में बच्चों की अनिवार्य खुराक में शामिल करने का दबाव भी डाला। मैंने दबाव डाला इसलिए कहा क्योंकि यह सर्वविदित है कि 95% एशियाई लैक्टोज जो एक ग्लूकोज का प्रकार है बर्दाश्त नहीं कर पाते और मुझे शंका है कि हर प्रजाति के व्यस्क इंसान इसी तरह महसूस करते हैं। काकेशियन जिनका अधिकांश दूध मार्केट पर कब्जा है ने दुखी रूप से साथ साथ एलर्जी, सीने में जलन, पेट की खराबी, डायरिया, गैस और डायबिटीज को रोजमर्रा के जीवन की सच्चाई समझकर जीना सीख लिया है और वे इन बीमारियों के सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के लिए नियमित रूप से इनकी दवाई के आदि हो गए हैं और पूरी जिंदगी भर के लिए वो उनके कस्टमर रहेंगे क्योंकि सिर्फ लक्षणों का इलाज किया जा रहा है, बीमारी का नहीं। जब उपभोक्ता गाय का दूध पीने से होने वाली हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित हो जाएंगे तो उनमें इसके स्वास्थ्यप्रद विकल्प की भूख जाग जाएगी। यह सिर्फ दूध के लिए ही नहीं होगा बल्कि उन हजारों अस्वास्थ्यकर भोजन उत्पादों के लिए भी होगा जो इस वक्त हमारी आधुनिक खाद्य आपूर्ति पर हावी हैं। और जैसा कि हम कुछ ही पलों में देखेंगे सबसे बड़ा पुरस्कार उन उद्यमियों के लिए होगा जो वहां पहले पहुंचेंगे। अगली हेडिंग हमारी रहेगी सोया हल यानी कि सोयाबीन। स्वास्थ्य से जन्मी एक नई संभावना। खुशकिस्मती से दूध का उच्च ऊर्जा कम वसा वाला विकल्प मौजूद है जो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्यवर्धक है, बीमारियों से बचाता है, पर्यावरण के लिए बेहतरीन है और इसकी कीमत भी कम है। यह विकल्प है सोया दूध और सोयाबीन से बने अन्य उत्पाद। दुर्भाग्य से अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह जानना काफ़ी मज़ेदार है कि विश्व आबादी में अमेरिका का योगदान सिर्फ 5% है।
लेकिन यह दुनिया के 50% सोयाबीन का उत्पादन करता है। अमेरिका हर साल 3 लाख बुशल यानी कि पैमाना है सोयाबीन उगाता है। इसमें से 98% पशु आहार या औद्योगिक इस्तेमाल यानी कमर्शियल पर्पस के लिए या एनिमल्स के लिए उनके आहार के रूप में, फूड के रूप में, और सिर्फ 2% सीधे मनुष्य के उपभोग के लिए होता है। इस 2% की भी बड़ी मात्रा जापान व अन्य उन देशों को बेच दी जाती है जो पहले से ही सोया वाला आहार ले रहे हैं। कृषि आधारित उद्यमियों के लिए पशुओं के लिए सोयाबीन उगाने वाले खेतों को मनुष्य के खाने के लिए सोयाबीन उगाने में बदलना सबसे बड़ी स्वास्थ्य संभावनाओं में से एक है। सोयाबीन सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के 1800 के दशक की शुरुआत में आया। उस वक्त यह भोजन की तरह नहीं बल्कि जहाज के पैंदे में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बनाए रखने वाली चीज के रूप में आया था। सन 1904 में प्रसिद्ध अफ्रीकी अमेरिकी केमिस्ट जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने सोयाबीन के पशु आहार के रूप में उच्च प्रोटीन महत्व को खोजा यानी डिस्कवर किया, और यह भी पता लगाया कि किसान हर 3 सालों में फसल चक्र के रूप में एक बार इसकी फसल उगाकर बढ़िया कपास और अन्य पौधों की फसल ले सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने बहुत सी फोर्ड कारों के प्लास्टिक के हिस्से सोयाबीन से बनाए थे। उन्होंने 1935 तक हर फोर्ड कार में 60 पौंड सोयाबीन इस्तेमाल किया। दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन सोया का सबसे बड़ा फायदा, जिसने इसे स्वास्थ्य आहार की सबसे बड़ी वस्तु बना दिया, हाल ही में खोजा गया। इंसानों के लिए सोयाबीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेशा यानी फाइबर, विटामिन और खनिज यानी मिनरल्स तत्वों का सबसे बढ़िया कम वसायुक्त स्रोत है, यानी कि फैट बहुत कम मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त सोया में बड़े चिकित्सकीय गुण भी हैं जो दुग्ध उत्पादों से होने वाली बहुत सी बीमारियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना ड्यू टू एज जैसा लोग मानते हैं बट एक्चुअली में मिल्क की वजह से होता है, हृदय रोग से लेकर कैंसर तक को रोक सकता है। कौन? सोयाबीन। सोयाबीन में उच्च मात्रा में कैल्शियम होता है और दूध की तरह इसमें कैसीन प्रोटीन नहीं होता जो हड्डियों से कैल्शियम के क्षरण यानी कि चूसना, सिंक करना का कारण बनता है। यही नहीं, सोया ने ऑस्टियोपोरोसिस को हराकर भी दिखाया है क्योंकि इसमें आइसोफ्लेवोन्स पाया जाता है जो हड्डियों के खनिज तत्व और हड्डी घनत्व यानी डेंसिटी को बढ़ाता है। आइसोफ्लेवोन एक रंगहीन कार्बनिक यौगिक है जिसे कीटोन कहते हैं हम साइंस की भाषा में, जो पेड़ों में इतनी पर्याप्त मात्रा में होता है कि जानवरों के अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम पर प्रभाव डाल सके। अन्य सोया आइसोफ्लेवोन, जेनेस्टीन और परखनलियों में जीवित कैंसर कोशिकाओं पर डाले जाने पर कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोक देता है, यानी कि कैंसर से भी छुटकारा पा सकते हो अगर आप डेली बेसिस पर सोयाबीन कंज्यूम करते हैं तो। दूसरे सोया आइसोफ्लेवोन रजोनिवर्ती वाली महिला के गर्भ उद्वेगों की संख्या और असर को कम करता है, यानी कि लेडीज प्रॉब्लम जो होती है उसको डिक्रीज करता है, घटा देता है। इसी तरह का प्रभाव एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी देखा जाता है। सोया में मौजूद प्रोटीन का बचावकारी प्रभाव हृदय रोगों पर इतना जबरदस्त है कि अक्टूबर 1999 में FDA ने
घोषणा की कि सोया निर्माता यह दावा कर सकते हैं कि 25 ग्राम सोया प्रोटीन रोज लेने से उपभोक्ता अपने बुरे यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर हृदय रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। अमेरिकी हृदय संघ AHA ने एक साल बाद इसी दावे का समर्थन किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको डेली बेसिस पर मिनिमम 25 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। बाकी प्रोटीन की मात्रा आपका जितना बॉडी वेट है उसमें केजी को हटाकर सिर्फ ग्राम कर दीजिए। एग्जांपल अगर 50 केजी है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना चाहिए, ठीक है। और प्रोटीन में सोया प्रोटीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द पोल्स एंड पिल्स इकोनॉमिस्ट। वजन के मामले में सोयाबीन में बीफ, मछली या चिकन से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट, जबकि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा जो लोग अपने पशु प्रोटीन सेवन की मात्रा को कम या खत्म करना चाहते हैं उनके लिए सोया प्रोटीन एकमात्र संपूर्ण यानी कि पूरा टोटल शाकाहारी प्रोटीन है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मानव को प्रोटीन से 20 मौलिक अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, जिनमें से 11 हमारा शरीर खुद बना सकता है और बाकी 9 हमें अपने भोजन से आवश्यक रूप से लेने होते हैं। सोया प्रोटीन बाकी पूरे 9 प्रोटीन उपलब्ध कराता है और इसे उतना ही संपूर्ण बनाता है जैसे दूध या मांस उत्पादों में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन हार्मोन, सैचुरेटेड फैट, कैलोरी और हमारे पर्यावरण पर घातक असर किए बिना। सोयाबीन या सोया पे यानी चीन में 5000 सालों से उगाए और बनाए जा रहे हैं। सदियों से एशियावासी इसका आनंद ले रहे हैं। पश्चिम में दूध यानी मिल्क शब्द 12वीं शताब्दी से इस्तेमाल हो रहा है, जिसका अर्थ है मादा के स्तनों से निकलने वाला ऐसा द्रव्य जो उनके बच्चे को पोषण के काम आता है या अनाज की कच्ची बाली का एक अवयव। लेकिन यह सब भी फरवरी 2000 में गो दूध उत्पादकों को FDA में एक अर्जी दाखिल करने की घृष्टता से नहीं रोक सका। इसमें कहा गया था कि सोया दूध निर्माताओं को अपने विज्ञापनों में मिल्क शब्द का प्रयोग करने से रोका जाए। इसमें दावा किया गया कि मिल्क मानकता की पहचान है जो दर्शाता है कि यह डेयरी की गाय से मिला लिया गया है। यदि FDA पर गाय के दूध और दुग्ध विज्ञापनों की सच्चाई बताने पर जोर दिया जाए तो उसे नियम बनाना चाहिए कि गाय के दूध पर गाय का पस और कार्टन पर चेतावनी लगी होनी चाहिए, जैसी सिगरेट के हर पैकेट पर लिखी होती है। जैसे सर्जन जनरल ने यह पता लगाया कि गाय का दूध पीने से मनुष्य को एलर्जी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, गैस, बैक्टीरिया संक्रमण, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा यानी ओबेसिटी, हृदय रोग और कैंसर हो सकते हैं। बहुत से रसूखदार अमेरिकी जो महंगे रेस्टोरों में खाना खाते रहे हैं पहले से सोयाबीन पसंद करते आ रहे हैं, लेकिन वे इसे जानते भी नहीं हैं। हरी स्नैप बीन्स महंगे रेस्टोरों में भूख बढ़ाने वाले आहार के तौर पर परोसी जाती रही है, जिसे एडामाम कहा जाता है। वह और कुछ नहीं बल्कि उबले हुए विशुद्ध सोयाबीन होते हैं। एडामामे में तकनीकी रूप से उस विशेष सोयाबीन का नाम है जिसे पूरा पकने से ठीक पहले ही काट लिया जाता है। ज़्यादातर भोजन प्रेमी जब अपनी मछली का इंतज़ार करते हैं इसे यूं ही चबाते रहते हैं, तब दरअसल वह एडमामे के रूप में मछली से ज़्यादा प्रोटीन व पोषण युक्त पदार्थ खा रहे होते हैं।
आश्चर्यजनक रूप से 22 ग्राम प्रति कप। हालांकि उस वक्त अमेरिकी कृषि में एडमामे बहुत छोटे से भूभाग में उगाई जाती है, लेकिन यह बेहद लाभदायक फसल है और जब लोग इसके बारे में जान जाएंगे तो इसकी खेती कई गुना बढ़ जाने की उम्मीद है। वैज्ञानिक नज़रिए से सोया भोजन को अब तक बतौर स्वास्थ्य चमत्कारी उत्पाद पूरा जोर पकड़ लेना चाहिए था। दुर्भाग्य से विज्ञान का पश्चिमी आहार से बहुत कम लेना देना है। जब बात भोजन की आती है तो हम रीतियाँ, स्वाद, सुविधा के झांसे में आ जाते हैं। बहुत से लोग नए भोजन को आजमाने के इच्छुक नहीं होते, वे कुछ चिर परिचित ढूंढते हैं और रोज सुबह एक गिलास दूध या लंच में चीज बर्गर की उम्मीद करते हैं। हम में से जो लोग नए भोजन आजमाने के इच्छुक होते हैं वे अक्सर तुरंत शानदार स्वाद वाला भोजन चाहते हैं, ना कि बाद में दीर्घकालिक अच्छा परिणाम देने वाला। भले ही सोया उत्पाद हमसे परिचित हो और उनका स्वाद भी अच्छा हो, लेकिन उन्हें मैकडोनल्ड्स के बिग मैक या कोका कोला की ही तरह सहज उपलब्ध होना होगा, तब वह हमारे औसत आहार पर सही प्रभाव डाल सकेंगे। कुछ स्वास्थ्य क्रांतियाँ वास्तव में ठीक इसी तरह के प्रभाव तीनों ही क्षेत्रों, रीति, स्वाद और सुविधा में बनाने में जुटी है। इनमें से कुछ क्रांतियों ने हमारे भोजन उद्योग के सबसे बड़े हिस्से में पहले ही घेराबंदी कर दी है, जैसे 500 अरब डॉलर का फूड प्रोसेसिंग व्यापार। खुशकिस्मती से अभी शुरुआत कर रहे स्वास्थ्य उद्यमी तो बस अभी उस सतह को खुरच ही पाए हैं जिसमें हमारे हानिप्रद भोजन के स्वास्थ्य विकल्पों का विकास किया जाना है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सोया चमत्कार, सही आजीविका का निर्माण करना। सन 1970 में जब स्टीव डेमोस ओहियो के बाउलिंग ग्रीन यूनिवर्सिटी से हुए तो वह हर वह चीज़ जानते थे जो वह अपने जीने के लिए नहीं करना चाहते थे। हालांकि उनकी पीढ़ी के बहुत से युवाओं की तरह ही वे भी नहीं जानते थे कि वे क्या करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर पूरे 4 साल भारत भ्रमण का निर्णय लिया। वहां वे शाकाहारी बन गए और उनमें सही आजीविका के निर्माण की इच्छा को आकार दिया, जहां व्यापार में सुनहरा नियम लागू किया जा सकता था। उनके अपने शब्दों में इसका अर्थ था, जो भी राजस्व की धारा को छूता है वह समाज के लिए कुछ भला कर रहा है। जब स्टीव अमेरिका लौटे तो वह कोलोराडो के बाउलर में आ बसे। यहाँ उन्होंने सोया उत्पादों से स्वास्थ्यवर्धक शाकाहारी खाद्य पदार्थ बनाने का व्यापार करने का निर्णय लिया, जिसमें वह अपने उचित आजीविका वाले दर्शन को पूरी तरह लागू कर सकते थे। अन्य उद्यमियों की तरह स्टीव ने भी कई विकल्पों को आजमाया। इसके बाद एक चीज ने उन्हें मशहूर कर दिया। उन्होंने एक प्राकृतिक नट बटर कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था नेचुरली नट्स। उन्होंने द काउ ऑफ चाइना नाम से एक शाकाहारी स्वादिष्ट वस्तुओं की दुकान भी चलाई और उन्होंने वाइट वेव टोफू भी शुरू की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सोया खाद्य और सोया दूध कंपनी है। वाइट वेव टोफू ने अपनी पहली बिक्री 27 सितंबर 1977 के दिन सुबह 11:30 बजे की। टोफू, जिसे बीन कर्ड भी कहा जाता है, नरम फेंटा हुआ कस्टर्ड की तरह सोयाबीन को पीस कर बनाया हुआ खाद्य पदार्थ होता है। स्टीव ने अपने पड़ोसियों
पड़ोसी से $500 उधार लेकर अपने अपार्टमेंट के किचन में टोफू बनाई और कंपनी की शुरुआत की। व्हाइट वेव अगले 20 सालों तक विभिन्न सोया उत्पाद बनाकर साथ साथ चलती रही। सन 96 तक इसकी बिक्री $60 लाख तक पहुंच गई। उन सालों के दौरान बहुत से उत्पाद आजमाए गए और बीच बीच में बंद कर दिए गए, जैसे पोलर बीन, आइसक्रीम और टोफ्रूजेन थे। ये ऐसे उत्पाद थे जिन्हें स्टीव सालों तक समझ नहीं पाए कि बेहद पसंद किए जाएंगे, लेकिन उस दौर में वे अपने समय से बहुत आगे थे। धीरे धीरे अमीर बनो, दर्शन की सफलता जिसने व्हाइट वेव को 2 दशकों तक लगातार बनाए रखा। 96 में स्टीव को समझ आया कि पैकेट बंद टोफू और टेम्पे जैसे सोया खाद्य पदार्थ संभवतः समाज पर वह प्रभाव कभी नहीं छोड़ पाए जिसका सपना उन्होंने कंपनी शुरू करते वक्त देखा था। सोया का बाजार बहुत संकीर्ण नजर आ रहा था, जो सिर्फ उन लोगों तक सीमित था जो पहले से उसके बारे में जानते थे। इसके मजेदार कंपनी ने वेजी बर्गर, टोफू हॉट डॉग और आइसक्रीम और ना जाने कितने उपाय आजमाए ताकि अमेरिकी लोग सोया को अपनाएं। उन सालों में स्टीव ने महसूस किया कि वे जिस उत्पाद की खोज कर रहे हैं वे ऐसा होना चाहिए जिसमें उपभोक्ता को शिक्षित करने की जरूरत ना पड़े। वह एक ऐसा उत्पाद हो जिसके बारे में सोचना न पड़े, जिसमें ताजगी, अपनापन और सुविधा के गुण हो। स्टीव ने उस साल के आखिर में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सिल्क सोया नामक मिल्क बाजार में उतारा। सिल्क सोया एक प्रकार का मिल्क है जो सोयाबीन से बनाया जाता है। पूर्णतः ऑर्गेनिक रूप से उगाए गए सोयाबीन से बना बहुत ताजा सोया मिल्क सिल्क पैक किए हुए दिन ही बेचा जाता था। फ्रिज में रखने लायक कार्टन में रखा जा सकता था और आम दूध के आधे या चौथाई गैलन जैसे पैक में उपलब्ध था। यह सामान्य वनीला, चॉकलेट, चाय और मोचा स्वादों में उपलब्ध था और साथ में सादा और फ्रेंच वनीला स्वाद सिल्क क्रीमर भी उपलब्ध था। उपभोक्ता के लिए यह ताज़ा, परिचित और सुविधापूर्ण था, खासकर जब से यह 91% अमेरिकी बाजार में उपलब्ध था। जब मैंने साक्षात्कार के लिए व्हाइट वेव के मुख्य नंबर पर पहली बार फोन लगाया तो कंपनी के वॉइस मेल पर स्टीव की आवाज ने मेरा स्वागत किया। व्हाइट वेव्स में आपका स्वागत है, मैं कंपनी का प्रेसिडेंट स्टीव डेमोस हूँ, आगे प्रस्तुत मेन्यू आपकी मदद करेगा। क्योंकि साक्षात्कार के फोन करने से पहले मैं स्टीव के बारे में पढ़ चुका था और CNN और अन्य जगहों पर उनकी प्रस्तुति के टेप्स देख चुका था, इसलिए मुझे उनकी विनम्रतापूर्ण आवाज पर आश्चर्य नहीं हुआ जो सिल्क की अप्रतिम सफलता को दर्शाती थी। सिल्क के बारे में स्टीव कहते थे, मार्केट तैयार था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था और हमारे पास सभी तत्व थे। मैं पिछली सामाजिक रूढ़ियों का बलिदान कर आधुनिक कारोबार की भाषा इतनी कुशलता से बोलने वाले व्यवसायी से मिलकर आश्चर्यचकित रह गया, इतना कि मुझे लगा जैसे मैं किसी फॉर्चून 500 के CEO या वॉल्टन के किसी प्रोफेसर या NYU बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ। जब मैंने इस बात पर उनकी तारीफ की तो वह बोले, यदि आप सचमुच और पूरी शिद्दत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए वचनबद्ध हैं तो आप भाषा के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं। लेकिन स्टीव ने 21वीं सदी की व्यापारिक भाषा सीखने से बहुत ज़्यादा किया था।
उन्हें इसके उच्चतम स्तर पर जाकर महारत हासिल थी, ऐसा स्तर जो आम तौर पर खाद्य कंपनी या शुरुआती उद्यमी में नहीं पाया जाता। स्टीव के मुताबिक अधिकांश उद्यमी सफलता नहीं असफलता के लिए तैयार होते हैं, इसलिए जब वे सफल होते हैं वे अपना व्यापार प्रतिद्वंद्वी को सौंपकर हार मान लेते हैं। सन 98 में स्टीव को महसूस हुआ कि उनके हाथ में बाघ की पूंछ है, बस फिर उन्होंने सफलता की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले वाइट वेव्स ने निवेशकों के तौर पर कई रणनीतिक लक्षणों की पहचान की, ऐसे लक्ष्य जो उन्हें पूंजी और कार्यान्वयन सहारा दे सकते थे। यदि सिल्क की बिक्री इसी तर्ज पर बढ़ती रहती फिर इस उद्योग में पर्याप्त लक्ष्य पहचानने के बाद वाइट वेव्स ने वाणिज्यिक आदान प्रदान के लिए एक निवेशक बैंकर नियुक्त किया और कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा $1.5 करोड़ में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी डेयरी को बेच दिया। लेकिन वाइट वेव्स ने अपने नए साझेदार के स्रोतों का इस्तेमाल कभी नहीं किया। इसके अलावा स्टीव ने सिल्क निर्माण प्रक्रिया को डेयरी उद्योग और उससे भी ज़्यादा मुनाफादायक शीतल पेय उद्योग दोनों के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं पर आधारित वास्तविक प्रक्रिया में पुनर्व्यवस्था की। आज वाइट वेव्स बहुत उच्च गुणवत्ता की सोया मिल्क का उत्पादन करता है जो न्यू जर्सी, कोलोराडो और उता के 20,000 वर्ग फुट में फैली 3 सुविधा संपन्न व संयंत्रों से सुसज्जित कंपनियों में होता है। यह बहुमूल्य सत्य इसके बाद ट्रकों में जहाजों द्वारा 5 बड़ी डेयरियों में पहुंचाया जाता है जहां सिल्क बनाया जाता है और पैकिंग की जाती है। उन सिल्क डेयरियों का चुनाव सावधानीपूर्वक यह ध्यान में रखकर किया जाता है जहां यह वाइट वेव्स उनके लाभदायक उपभोक्ता और पूरे कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह डेयरियां ना सिर्फ सिल्क के असीमित निर्माण को सुनिश्चित करती है बल्कि उनके पास पहले से ही ट्रक और विक्रय संगठन है जो सिल्क को स्थानीय सुपरमार्केट तक पहुंचाते हैं। जैसा स्टीव बताते हैं, वाइट वेव्स के पास अब पूरा प्रारूप है। हम अब 500 मील त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में उत्पादन करते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं और फिर विस्तार करते हैं। हालांकि आज ज़्यादातर लोग सिल्क को गाय के दूध के विकल्प के रूप में देखते हैं, लेकिन स्टीव ने कभी भी डेयरी को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। हम दूध का कोई विकल्प नहीं है, स्टीव कहते हैं, हम एक चयन है, यानी कि ऑप्शन है, चूज कर सकते हैं। मैं डेयरी का प्रतिरोधी नहीं बनना चाहता, मैं इतना श्रेष्ठ होना चाहता हूँ जहाँ कोई तुलना ही ना हो। मैं कोका कोला के बाद भी उतना ही हूँ जितना दूध के बाद हूँ। इस सिलसिले में वाइट वेव्स का सबसे नया उत्पाद 11 औंस की सिल्क सोया मिल्क की प्लास्टिक बोतल है जो किसी शीतल पेय की ही तरह पैक की गई है। इन्हें 120 दिन तक बिना फ्रिज के रखा जा सकता है। अमेरिका में एक औसत व्यक्ति 24.2 गैलन गाय के दूध का प्रति वर्ष सेवन कर लेता है और यही औसत व्यक्ति प्रति वर्ष 54.6 गैलन शीतल पेय का उपभोग भी करता है। अगली हेडिंग है शाकाहारी बर्गर का चमत्कार, स्वास्थ्य चेतावनी की कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीव डेमोस कि यह चिंता कि आप सफलता अर्जित करने के बाद अपना स्वास्थ्य व्यवसाय अपने प्रतिद्वंद्वी को सौंप दे सही खोज है। उद्यमियों को सफलता के लिए तैयार होना ही होगा। प्रसिद्ध शाकाहारी शेफ
लेखक और गार्डन बर्गर INC के संस्थापक पॉल वेनर की कहानी में स्वास्थ्य उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण सीख है। यह पुस्तक लिखे जाते वक्त वेनर और उनकी कंपनी शाकाहारी बर्गर के बाजार में सिरमौर रहने के बाद प्रतिद्वंद्वी के सामने आर्थिक रूप से घाटे में जाती नजर आ रही थी। इसके बावजूद पॉल वेनर एक सच्चे स्वास्थ्य क्रांतिकारी हैं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक योगदान दिया और देते रहेंगे। पॉल वेनर ने स्वास्थ्य क्रांतिकारी या महान सफलता पाने के लिए शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि आखिर उनके जीवन भर का सपना 1981 में जाकर पूरा हुआ, जब उन्होंने ओरेगोन ग्रेशाम में गार्डन हाउस रेस्टोरेंट नाम से अपना शाकाहारी रेस्टोरेंट खोला। जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक में विस्तार से बताया है, अन्य सभी रेस्टोरेंट मालिकों की तरह मेरा भी जल्द ही इस बात से सामना हुआ कि बची हुई चीज़ों का क्या किया जाए। मेरा समाधान थी वह चीज़ जिसे मैंने नाम दिया गार्डन लोफ सैंडविच, जो बची हुई सब्जियों और पीलाफ से बनी होती थी। बाद में मुझे तरकीब सूझी कि मैं लोफ को स्लाइस में काटूं, जो पेटीज की तरह दिखता हो, और इस तरह अचानक गार्डन बर्गर का जन्म हुआ। जल्द ही हर दो में से एक लंच जो उसके रेस्टोरेंट में बिकता था वह गार्डन बर्गर ही होता था। फिर 1984 में बाजार की मंदी का ओरेगोन पर असर हुआ और उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। पॉल ने सोचा यह दुनिया का अंत था। हालांकि जैसा कि वह अब प्रतिक्रिया देते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ चीज़ थी जो हो सकती थी। उपभोक्ता अब भी फ़ोन करके पूछते थे कि वे अब भी गार्डन बर्गर कहां से खरीद सकते हैं। और एक दिन पॉल की बहन ने अपनी कंपनी के CEO के साथ बैठक की और ग्राहकों को गार्डन बर्गर की आपूर्ति करने के लिए व्यापार में पैसा लगाने पर विचार किया। CEO ने गार्डन बर्गर आजमाया और पॉल को व्यापार शुरू करने के लिए $60,000 की पेशकश की और पूछा, यह कंपनी अब तक पैसा बनाने लगेगी कब तक? पॉल को सचमुच कुछ अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने जवाब दिया 13 महीनों में। उन्होंने ऐसा इस आधार पर कहा क्योंकि यदि वे पूरे एक साल बाद भी पैसा नहीं बना पाते तो वे इसे कभी भी चला नहीं पाएंगे। जैसे जैसे गार्डन बर्गर बढ़ा, पॉल के हर नाकामी भरे अनुभव को सकारात्मक अनुभव में बदलना सीखा। जब 10 में से 9 रेस्टोरेंट मालिक उनसे कहते हमारे पास एक भी शाकाहारी नहीं आता है, तो उनका जवाब होता शायद इसलिए क्योंकि आपके मेन्यू में कुछ भी शाकाहारी नहीं है। सन 92 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई और पॉल वेनर रोजमर्रा के प्रबंधन से हटकर 95 में खाद्य उद्योग में पेशेवर बन गए। उन्होंने बोर्ड में अपना स्थान बनाए रखा और चीफ क्रिएटिव अफसर का पद संभाला। 98 तक गार्डन बर्गर INC ने सैकड़ों करोड़ गार्डन बर्गर बेचे और कंपनी के उत्पाद दुनिया की सुपरमार्केट और प्राकृतिक भोजन स्टोर में वितरित किए गए। दुर्भाग्य से गार्डन बर्गर जिस तेजी से बढ़ा, उतनी तेजी से यह उस मांग को पूरा नहीं कर पाया जिसके लिए वेनर ने शुरुआत की थी। 93 में फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा के एक अन्य रेस्टोरेंट मालिक ने तय किया कि वह भी एक स्वादिष्ट शाकाहारी बर्गर बना सकता है।
उसने बोका फूड्स शुरू किया जो 98 तक ग्राउंड बीफ, चिकन, सॉसेज और अन्य मांस उत्पादों का शाकाहारी विकल्प बना रहा था। एक और प्रतिद्वंदी वॉर्थिंगल फूड्स ने भी मांस रहित मांस के मार्केट में पूरी तरह सोया आधारित उत्पादों की श्रृंखला पेश कर मॉर्निंग स्टार नाम से प्रवेश किया। हालांकि गार्डन बर्गर 98 में 10.01 करोड़ डॉलर की बिक्री पर पहुंच चुका था, लेकिन यह मांस रहित शाकाहारी विकल्पों के बाजार का सिर्फ पांचवां हिस्सा था। गार्डन बर्गर को चलाने वाले खाद्य उद्योग के पेशेवर इस बात से निश्चिंत थे कि उन्हें बस कुछ अधिक जागरूकता तथा अपने उत्पादों के परीक्षणों की जरूरत है, इससे पहले कि कोई और आकर उनके भावी ग्राहकों पर कब्जा जमा ले। सन 98 में गार्डन बर्गर ने सिनफील्ड की आखिरी कड़ी में विज्ञापन के लिए 15 लाख डॉलर खर्च किए। हालांकि विज्ञापन रिकॉर्ड तोड़ 10.40 करोड़ दर्शकों ने देखा, लेकिन आलोचकों ने दावा किया कि बहुत सारा फायदा तो गार्डन बर्गर के प्रतिद्वंदियों को चला गया, जिन्होंने अगले दिन स्टोर्स में बिक्री बढ़ने की बात स्वीकारी। अपनी 10 करोड़ डॉलर की बिक्री को बनाए रखने के लिए सन 98 में गार्डन बर्गर ने विज्ञापन पर अविश्वसनीय रूप से 1.5 करोड़ डॉलर खर्च किए और तय किया कि अंश पूंजी बढ़ाकर इस तरह का खर्च जारी रखेंगे। सन 99 में कंपनी ने 3.25 करोड़ डॉलर के फ्रीड शेयर बेच दिए, लेकिन उस साल उसकी बिक्री 12% गिरकर 8.8 करोड़ डॉलर पर आ गई। बिक्री सन 2000 तक अतिरिक्त 21% गिरकर 7 करोड़ डॉलर हो गई और कंपनी को 3.27 करोड़ डॉलर यानी कि 3.67 डॉलर प्रति शेयर का घाटा हुआ। इन हालात को और बुरा बनाने के लिए सन 99 में केलॉग इंक ने 30.70 करोड़ डॉलर में प्रतिद्वंदी को खरीद लिया और सन 2000 में सिगरेट निर्माता फिलिप मॉरिस ने बोका फूड्स को खरीद लिया। वॉल स्ट्रीट का इस बात से विश्वास उठ गया कि गार्डन बर्गर कभी इतने मजबूत प्रतिद्वंदियों के सामने वापस भी आ पाएगा और उसकी स्टॉक कीमत आधे मुंह $18 से 50 सेंट प्रति शेयर से भी कम पर आ गिरी। इसका परिणाम यह हुआ कि गार्डन बर्गर नस्दक की सूची से बाहर हो गया। संभवतः सूची से बाहर होना कोई छुपा हुआ आशीर्वाद साबित हो, क्योंकि इसका नया CEO अब अपना ध्यान कंपनी के स्टॉक कीमतों पर देने के बजाय इसे नया रूप देने पर केंद्रित करेगा, ताकि उसे एक लाभदायक व्यापार बना सके। पॉल वेनर आजकल हवाई में एक नया शाकाहारी रेस्टोरेंट चला रहे हैं। उन्होंने हाल ही में गार्डन क्विजीन नामक अपनी पुस्तक पूरी की है, जो कुछ आत्मकथा, कुछ व्यापार कैसे शुरू करें, कुछ स्वास्थ्य शरीर कैसे पाएं, कुछ पशुओं पर अत्याचार कैसे रोकें और कुछ अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं के बारे में है। वैनर के पास अब भी 6 लाख या अधिक शेयर गार्डन बर्गर INC के हैं, जिसकी इनसाइडर ट्रेडिंग रिपोर्ट दर्शाती है कि 2001 के दौरान 0.47 डॉलर प्रति शेयर में भी बेचे गए। वैनर का हिस्सा आज 1 से 1.5 करोड़ डॉलर से भी कम है, जिन पर कभी उनका अधिकार रहा था। लेकिन यह निजी नुकसान बिल्कुल नगण्य हो जाता है जब हम करोड़ों शाकाहारी बर्गर बिकते देखते हैं और लाखों लोगों के जीवन पर वैनर के असर को देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, रेस्टोरेंट उद्यमियों को क्या जानने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैनर के
रेस्टोरों की तरह रेस्टोरों ने शाकाहारी बर्गर से बढ़कर बड़ी चीज से समाज को परिचित कराया। रेस्टोरों उद्योग अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक सबसे आकर्षक उद्यमी इकाई है, जो पिछले 4 दशकों यानी 40 सालों से लगातार नए उत्पाद और नवाचार यानी कि नया विचार की धारणा से परिचित करा रही है। पिछले 40 वर्षों में इस उद्योग का बढ़ना इस बात को दिखाता है कि अगले दशक के दौरान स्वास्थ्य उद्योग के लिए क्या संभव है। सन 1961 में कुछ ही अमेरिकी अपने घर से बाहर भोजन करते थे और अमेरिकी रेस्टोरों की कुल बिक्री $20 अरब से भी कम थी। आज लगभग आधे अमेरिकी रोज घर से बाहर भोजन करते हैं और सन 2001 में रेस्टोरेंट्स की कुल बिक्री $400 अरब थी। 1961 में यदि कोई इस बिक्री के 20 गुना बढ़ने के भविष्यवाणी करता तो आप संभवतः निम्न वजहों से उस पर विश्वास नहीं करते। पहला रीजन, सिर्फ बहुत धनी लोग ही आधे समय भोजन घर से बाहर खा सकते हैं। हालांकि विकसित होती तकनीक ने उत्पादन कीमतों में 2001 तक इतनी गिरा दी कि अक्सर घर में भोजन करने से सस्ता बाहर जाकर खाना पड़ने लगता। सेकंड रीजन कि कई लोग एक ही समय बैठकर भोजन कर सकें, इतने रेस्टोरेंट अमेरिका में नहीं हैं। हालांकि 40 सालों में दसियों हजार शॉपिंग सेंटर ऐसे बन गए कि अमेरिका में आज लगभग 8,44,000 भोजन संस्थान मौजूद है। थर्ड रीज़न, लोग इतना ज़्यादा बाहर खाकर ऊब जाएंगे क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ 3 मौलिक क्विजीन, डिनर, कैफेटेरिया और फ्रेंच ही उपलब्ध थे। हालांकि सन 2001 तक सैकड़ों किस्म के रेस्टोरेंट अस्तित्व में आ गए, जिनमें बहुत सी जगह विशेष जैसे थाईलैंड के थे, जो 1961 में स्वतंत्र देश के नाम से भी नहीं जाना जाता था। फोर्थ रीज़न, रेस्टोरेंट में बहुत से काम करने वालों की ज़रूरत होती है और अमेरिका में इतने संस्थानों में काम करने लायक पर्याप्त लोग ही नहीं हैं। हालांकि विकसित होती तकनीक के कारण निर्माताओं ने दसियों लाख लोगों को काम से मुक्त कर दिया, हालांकि वे अब भी उपभोक्ताओं की सेवा करने की स्थिति में थे। सन 2001 तक यही 1.13 करोड़ कर्मचारी रेस्टोरेंट उद्योग में काम करने पहुंच गए। अमेरिका में रेस्टोरेंट उद्योग आज निजी क्षेत्र में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा उद्योग है। पांचवा और अंतिम, भले ही आप पहले से कम कीमतों, बड़ी तादाद में भोजन संस्थानों, क्विजीन की अनगिनत किस्मों और उपलब्ध कर्मचारियों के अविश्वसनीय बदलावों को देख पाने में समर्थ होते, लेकिन आपने सन 61 में शायद ही यह सोचा होता कि लोगों के पास इतनी बार खाने के लिए वक्त ही नहीं होगा। दरअसल 1960 के दशक में रेस्टोरों की पूरी तरह से एक नई श्रेणी उभर आई, जो कीमतों, स्थान या उत्पत्ति के देश के नाम से नहीं बल्कि अपनी सेवाओं की गति से परिभाषित होने लगी, जिसे हम कहते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। अब रेस्टोरों की पसंद पर कीमत, स्थान, क्विजीन की किस्म, सेवा की रफ्तार पर इसका चयन हावी है, लेकिन एक नए तरह के रेस्टोरों की पसंद विकसित हो रही है, जो कि कल के रे क्रॉक और डेव थॉमस के लिए किस्मत लेकर आएंगी, जो अभी से उत्साही होकर इसमें कूद पड़े हैं और उपभोक्ता के अपने पास आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आपने पहले ही यह अंदाज़ा न लगाया हो तो बिल्कुल यही चीज़ पॉल वैनर ने सन 1981 में की,
जब उन्होंने पूरी तरह स्वास्थ्य भोजन को ध्यान में रखकर रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया। हालांकि वह चीज़ कर पाने के लिए अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे थे, जैसा उन्होंने मूलतः सोचा कि वह काम करेंगे। स्वास्थ्यप्रद क्विजीन वाले विशेष रेस्टोरेंट खोलने का यही सही समय है। इसका कारण यह है कि आज अमेरिकी रेस्टोरेंट में 400 अरब डॉलर खर्च किए जाते हैं। औसत अमेरिकी परिवार घर से बाहर भोजन करने पर अपने भोजन बजट का 45% खर्च करता है, लेकिन 50,000 डॉलर या उससे ज़्यादा आमदनी वाले परिवार अपने भोजन बजट का 70% घर से बाहर बने भोजन पर खर्च करते हैं। ऐसे परिवार जिनकी आय 1,00,000 डॉलर से अधिक है, अपने रेस्टोरेंट भोजन बजट का 70% से अधिक खर्च करते हैं। हालांकि बेबी बूमर अमेरिकी आबादी का सिर्फ 28% ही है, लेकिन 50,000 डॉलर से ऊपर आमदनी वाले बूमर्स की संख्या 40% के ऊपर है और 1,00,000 डॉलर से ऊपर आमदनी वाले बूमर्स की संख्या 60% से अधिक है। प्रति व्यक्ति के आधार पर आज बूमर अपने माता पिता की पीढ़ी की तुलना में घर से बाहर भोजन करने में दोगुना ज़्यादा खर्च करते हैं। जैसा कि अध्याय 2 में बताया गया है, एकमात्र चीज़ जो आज की तारीख में भी बूमर्स को लुभाती है, वह उन उत्पादों की इच्छा है जो उन्हें अपनी युवावस्था की याद दिलाते हैं। रेस्टोरेंट में उनके लिए पसंद करने को बहुत कुछ नहीं रह गया है। उन कुछ संस्थानों को छोड़कर जिनमें कोई थीम होती है या पुराने समय की यादों वाला मेन्यू होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये बूमर्स स्वास्थ्यवर्धक क्विजीन वाले रेस्टोरेंट को पसंद करने लगे, जो वास्तव में उनके जवान बना दे या भविष्य में उन पर उम्र बढ़ने का असर न हो। क्विजीन जैसे सोया सिल्क मिल्क या गार्डन बर्गर, मांस रहित पेटीज या बस सादा क्विजीन जिसमें क्रीम या सैचुरेटेड फैट बिल्कुल न हो। तथ्यों से सबूत मिलता है कि बूमर्स ऐसे रेस्टोरेंट की ओर खींचे चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे पौष्टिक भोजन वाले रेस्टोरेंट पहले से ही लगभग हर शहर में हैं और अधिकांश उच्च श्रेणी संस्थानों ने अपने मेन्यू में 1 या 2 पौष्टिक या शाकाहारी चीज़ें जोड़ रखी हैं। रेस्टोरेंट के मेन्यू में अनिच्छा से जोड़ी गई चीज़ों या तटीय प्रकार के भोजनों के बनिस्बत सन 2010 तक पौष्टिक क्विजीन सर्वव्यापी होगा, जहां आज लोग स्वाद, कीमत और सुविधा अनुसार रेस्टोरेंट का चयन करते हैं, जल्द ही लाखों लोग स्वास्थ्यवर्धक क्विजीन या इस बात से रेस्टोरेंट का चयन करेंगे कि वे वहां खाने के बाद कैसा महसूस करते हैं। आज यह भविष्यवाणी पढ़कर आप संभवतः यह सोच सकते हैं कि उपभोक्ता कभी भी पौष्टिक क्विजीन की तरफ उमड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे तैयार करने की लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। हालांकि जैसा इतिहास ने साबित किया है कि विकासशील तकनीक ने हमेशा उपभोक्ता की मांग वाले उत्पादों की कीमतों को कम किया है, खास तौर पर खाद्य सेवा उद्योग के मामले में। दूसरा, आप शायद यह सोच सकते हैं कि अब सैकड़ों हजार पौष्टिक भोजन वाले रेस्टोरेंट खोलने लायक पर्याप्त जगह नहीं बची है। हालांकि अमेरिका में मौजूद 8,44,000 रेस्टोरेंट या तो अपने मेन्यू को फिर से दुरुस्त करेंगे या अन्य मालिक जो यह करने के लिए तैयार हैं के हाथों लीज खो बैठेंगे। अस्वास्थ्यकर भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट को ग्राहक अस्वीकार करने लगेंगे।
साथ ही आज के उच्च श्रेणी रेस्टोरेंट ग्राहक अपने बढ़े हुए वजन को देखकर बाहर जाना कम कर देंगे। यह लाभदायक ग्राहक उनके पास और भी ज़्यादा आने लगेंगे यदि उन्हें और भी पौष्टिक जगहें पसंद करने के लिए दी जाएंगी। तीसरा, आप शायद यह सोच सकते हैं कि लोग बार बार पौष्टिक भोजन खाकर ऊब जाएंगे, फिर भी सभी तरह के रेस्टोरों फ्रेंच से लेकर इतावली तथा थाई तक पौष्टिक मेन्यू को अपना रहे हैं और पौष्टिक भोजन शब्द जल्द ही खाने की किस्म के नाम पर भी संस्थान में उतना ही अर्थहीन हो जाएगा जितना आज शब्द रेस्टोरेंट है। चौथा, आप शायद यह सोच सकते हैं कि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट नहीं होता, फिर भी जब एक बार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के कीटनाशक उच्च मात्रा के सोडियम और खतरनाक रसायन आपके शरीर से निकल जाएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके खाने में क्या कमी है। प्राकृतिक अवस्था वाले भोजन से स्वादिष्ट कहीं कुछ भी नहीं है। केले से लेकर ताज़ा अनाज से कच्ची सब्जियों तक, लेकिन हमारी स्वाद ग्रंथियां प्रसंस्कृत भोजन तैयार करने वाली कंपनियों द्वारा इतनी बदल दी गई है कि हम में से ज़्यादातर उनकी तारीफ करने में भी अक्षम है। और अंततः आप अब यदि मेरी कीमतों, स्थानों, क्विजीन की किस्म और सर्वश्रेष्ठ स्वाद की भविष्यवाणियों को मान भी लेते हैं तो आप शायद सोचें कि इस तरह का बदलाव रेस्टोरेंट उद्योग में संभव नहीं, क्योंकि लोगों की भोजन करने की आदतें बुरी तरह से बिगड़ गई हैं। फिर भी समाज के खाने की आदतों में कुछ अलग ही मूलभूत बदलाव आने शुरू हो गए हैं जिसकी शुरुआत अमेरिका में हो चुकी है। हर जगह के उपभोक्ता जल्द ही यह समझने लगेंगे कि उन्होंने जो भोजन दिन में खाया और जैसा उनके शरीर रात में महसूस करेंगे, इन दोनों में एक चिरस्थायी रिश्ता है। कल की बात तो छोड़ दीजिए। पेशेवराना खूबसूरत, जैसे कि अध्याय एक में समझाया गया है, पहले ही इस रिश्ते को समझ चुके हैं क्योंकि वे शानदार रेस्टोरों में जाकर पहले पूरे मेन्यू की खोजबीन करते हैं। जब आप चारों तरफ देखेंगे रात को प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और आपके विचारों को प्रभावित करने और आकार देने वाले पैकेजिंग तक, आप देख सकते हैं कि जल्द ही लोग हिप्पोक्रेट के सदियों पुराने विचार को गले लगाते दिखेंगे। भोजन को अपनी दवा बनने दो और दवा को अपना भोजन बनने दो। तो ये था हमारा चैप्टर। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात को पहुंचाइए। एंड बी हेल्दी, बी अवेयर ऑफ योर हेल्थ, एंड इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू डू वर्क विद आर ब्रांड, लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू, बाय बाय।